भाई अपने सब छोकरे उस नौकरानी को ठोक डालेंगे, बस आप हाँ कर दो, आज उसका खेल खत्म कर देंगे। समान है वो, शर्म करो। ए, मुंह बंद कर, जब देखो चपड़ चपड़। मेरी तरफ से हाँ है, ठोक डाल उसको। पिछले एक हफ्ते से पीटी मास्टर को बोल रही थी गंदा हो रहा है, किसी से धुलवा लो। अब जाके पूरी आसमान में चमकोगे तुम। ए अरुणा, सुकुमार अन्ना आए हैं। अन्ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके होते मैं कैसे इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमारे इलाके में केवल महिला सीट घोषित हुई है। अरे इतना सोच मत, कोई भी खड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, तू इलाके को अच्छे से जानती है, लोगों के घरों में काम करती है, 10वीं पास है। तू खड़ी हो जा, मैं देख लूंगा। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। हाँ सही कहा, तभी तो लोग तुझे ही चुनेंगे। बीवी को मौका दे सकता था लेकिन उसे खटिया पकड़ ली। वैसे भी ये पंचायत चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में एमएलए का सीट चाहिए मुझे। अन्ना तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ए, बच्ची है रे, डर जाएगी। प्यार से समझा इसको, जैसे घर में तू मेरी बीवी के लिए काम करती है वैसे जीतने के बाद मेरे लिए करना। अन्ना छोकरी तो डर गई है। डरी नहीं हूँ अन्ना, सोच रही हूँ। इतना लोड क्यों ले रही है? इससे गाँव वालों का फायदा होगा ना? होगा होगा, जब नदी बहेगी तो सबकी धुलेगी, कैसे धुलेगी मैं बताऊंगा। ठीक है अन्ना। अन्ना हमारी पीठ पीछे झूरा घोपा है उसे, कोई भड़का रहा है उसे, सब वो साले ऑटो वाले का किया था। अरे हाँ भाई, सरपंच बनने वाली है ये, ख्याल रखना इसका। हाँ किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। बोलो तो काट डाले, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चाकू से चार तरीके से पेला जा सकता है, या तो एक ही झटके में खलास, या तड़प तड़प के मरेगी, चार दिन धीरे धीरे तड़पेगी फिर मरेगी, या तो अपाहिज बनाकर बिस्तर पर डाल देते हैं भाई, न हिलेगी न डुलेगी भाई, जैसा आप मारते हो। अभी सिर्फ बिजली पास हुई है, देखना धीरे धीरे गाँव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सुना है तो हमारे यूनियन लीडर की मदद नहीं करेगी? 3 लाख का काम है, 1 लाख की रिश्वत मांग रहा है, कैसे हो सकता है? तेरे को उससे दिक्कत क्या है बे? मैं तेरे साथ हूँ और पार्टी मेरे साथ है, पार्टी को जवाब मुझे देना पड़ता है। मेरी बिल्ली है, मुझसे मियाँ मत कर, एक झटके में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। सुना है सरकार ने तुझे पावर केबल के लिए 3 पेटी दी है, ऑफिस से मुर्गन आएगा उसके हाथ में 1 पेटी पकड़ा देना, और 50,000 तेरी भाभी को भी दे दे, उतना चलेगा। सिर्फ 1.5 लाख में केबल कैसे डालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, मजदूर कम कर, उनको 200 कम दे, पैसा बच जाएगा। खतरनाक औरत है ये, आपने ही कुर्सी दी और आप ही से गदारी कर रही है। ये अपनी पार्टी की है, और कुछ चाहिए तो बोल, मैं दूंगा ना। मुझे पावर केबल चाहिए। वो तो है ही नहीं। ए, तेरे पास है? नहीं तो? और तेरे पास नहीं अन्ना? नहीं। मैडम इन लोगों से पंगा मत लो, बस किसी तरह समझदारी से अपना काम निकलवा लो। कोई इतना बेईमान कैसे हो सकता है? ये लोग ऐसे ही हैं, आप इन लोगों से बस थोड़ा बचकर ही रहना। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या? मैडम कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते। अच्छा बताइए सरपंच मैडम ठीक काम कर रही है ना? जी सर, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। साहब आप किसी तरीके से इन्हें अगला कलेक्टर बना दीजिए ना। कलेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। मैडम आपका महीना कौन सा चल रहा है? 8वां महीना। पर अपने आपको इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? मेटर्निटी लीव ले लो। इट्स ऑल राइट सर, आपने कहा था इस हफ्ते से सड़क का काम शुरू हो जाएगा। हाँ हो गया ना, 13 लाख का सैंक्शन मिल गया गांव को, अब तो खुश हो ना। बढ़िया बढ़िया, ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर। मेरे आदमी को तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सिर्फ मेरा आदमी वहाँ रोड बनाएगा। अन्ना सड़क बनाने के लिए 15 लाख लगते हैं, सिर्फ 13 लाख सैंक्शन हुए हैं, 5 लाख आपका आदमी खा जाएगा, तो मैं सड़क कैसे बनाऊँ? लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकती। ए, तेरी ये हिम्मत, तूने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कैसे दे दिया? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर 1 नंबर के बेईमान है। फैसले लेने का हक तुझे नहीं है। जुबान संभाल अपनी। जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो ना, तो तुझ जैसे लोग बीच में नहीं बोलते। चुप कर बे, इधर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अभी तुझे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, सड़क नाली पुल। भूल गई जो तेरा पति ऑटो चलाता है वो हमारा ही दिया हुआ है, और 2 महीने से सारे ने किस्तें नहीं भरी है, उठवा लूं क्या? भूखा मरेगा ये। ऐसा है एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी ये जो ईमानदारी है ना राजनीति में बिकेगी नहीं। अन्ना
मैं अपने कुर्सी के आसपास भी बेईमानी आने नहीं दूंगी। मैं पैसे के लिए बेईमानी नहीं करूंगी, इतना कमा लेती हूँ कि गुजारा हो जाए। माफ कीजिए, मैं गलत काम नहीं करूंगी। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, पार्टी मेरी नहीं है, मेरे पीछे और भी लोग हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। पार्टी को जवाब देना आपका काम है, मेरा नहीं। मुझे सिर्फ अपने गाँव से मतलब है। अगर मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मेरे काम में रुकावट मत डालिए। भाई, इस मेंढकी को जुकाम हो गया है, इसे कहिए कुर्सी छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी से निकाल दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं अपने इलाके को ऐसा बना दूंगी कि पूरा गांव देखेगा। अगर आपने मेरे काम में अड़चन पैदा की तो मुझे कलेक्टर से आपकी शिकायत करनी होगी। ए, तू हमारे ही पिंजरे की चिड़िया है ना, जब चाहे तेरे पर कतर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, पिंजरा तो कब का खुल चुका है। भाई, आपने बहुतों को मारा है, लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं मार सकते। वो एक सरकारी अफसर है और ये काम अपने छोकरों के बस का नहीं है। भाई, मेरी मानो तो एक सुझाव है, चेन्नई से अपने लौंडों को बुलाकर इसे टपका देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बुला लूं क्या भाई? कोई जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ, उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांपेगी। चला दो उसको। हमें अगले हफ्ते से पहले ही रोड का काम शुरू करना चाहिए, तभी बरसात से पहले हमारा काम खत्म हो पाएगा। सुन, खबर फैला देगी, रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमीशन मांग रही थी वो। जब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने शर्मिंदगी के कारण खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। वैसे तो बहुत सत्यवादी बनती फिरती थी, लेकिन असल में रिश्वतखोर निकली। चार दिन में सब भूल जाएंगे। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, या तो कलेक्टर या तो IAS अफसर बनेगा बड़ा होकर। फिर तो हमें बड़े बस स्टैंड वाले स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी होगी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी मेरी? तू ही महादेवन है ना? कौन? हाँ, लोग हैं ये? तुझसे बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है? बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को, कुछ मत करो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ए, सारा डाल दे इस पर। ऐसा मत करो। मुश्किल है नानी, 3rd degree बर्न हुआ है, सिर पे भी गहरी चोट आई है। हम बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। हे भगवान, बस आप ही कुछ कीजिए, बचा लीजिए। कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में, खुशियों की सौगातों सा खुद ने तुझको पाला रे। भाई, वो तो बच निकली और उसने एक लड़के को भी जन्म दिया है। ये हाँ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। साहब आपका शुक्रिया। ये लो काका। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब। ठीक है। आपको तो बुखार है। हाँ बेटा।
मुंह खोलिए। हाँ ये रखिए। सुखी रहो। ये लो माँ, अच्छा लगा? हाय नमस्कार भाई। क्या मेरा चेन्नई जाना जरूरी है माँ? मुझे आपके साथ ही रहना है प्लीज। अगली बार पक्का आईएएस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तेरा आधा वक्त तो मेरे साथ बर्बाद होता है, तू अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे। मेरे पंख तो कट चुके हैं बेटा, लेकिन तुझे तो बहुत ऊंचा उड़ना है। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, जिंदगी का सही ज्ञान सफर और अनुभव से मिलता है। तो माँ आप भी मेरे साथ चेन्नई चलो ना। मैं सालों से इस दिल्ली से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे, लेकिन सपना पूरा करने के लिए ताकत चाहिए। राजनीति ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, लेकिन तुम्हें एक आईएएस अफसर बनना ही होगा। विजय राघवन आईएएस। हमेशा कमजोरों की मदद करना, देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जब तक तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगे, मैं ये दहलीज पार नहीं करूंगी। तुम्हारी कामयाबी के बाद तुम्हारे साथ गर्व से बाहर निकलूंगी। अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखना और हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना। ए पुलिस आई है, खबरदार आई है रे, फोन चुका ले गधे। फोन क्या कर रहे हो, लूंगी उतारोगे क्या? फोन कहाँ है? कुछ नहीं है मेरे पास। सालों ने चार्जर कहाँ लगाया? अरे साहब जाने दो ना साहब, कुछ नहीं है। क्या डालता है मुकुल? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। यारे मलिक जेल के अंदर फोन यूज करता है? आज से तुम सब डेढ़ शानों का फोन वोन सब बंद। तुम्हें ठोक भी डाला ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। ए सुलू, उस इंस्पेक्टर ने मलिक भाई का फोन ढाप लिया है। पता है। अब मलिक भाई से बात कैसे करेंगे? अबे टेंशन नहीं लेने का। सुन, हाँ? माल खोपचे में लाया ना? कोई राड़ा नहीं। चाकू भी लाया भाई, दिखा ना। ये देखो भाई, इस ऑपरेशन के बाद सुल्लू भाई के गैंग में एंट्री पक्की ना। थोड़ा दर्द झेल पाएगा ना? हाँ भाई मैं झेल लूंगा। सुल्लू भाई आ गया। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। चर्बी बहुत है इस साले में, काम आएगी भाई। ए, अगर तूने पलटी मारी ना तो तेरी आतड़ियों का खीमा बना दूंगा। टेंशन नहीं लेने का भाई, लेकिन काम होने के बाद आपके गैंग में मेरी एंट्री पक्की है ना? ये नमूना कहाँ से पकड़ के लाए रे? अपुन के एरिया का है सुल्लू, सी ब्लॉक वाले शर्मा का पड़ोसी है ये। अरे सुई नहीं लगी, अभी से बिलबिला रहा है। टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं होएगा। ये मेडिकल कॉलेज के लौंडे हैं, परफेक्ट काम करेंगे। ये ले पैकेट। ठीक है भाई, अब ये पैकेट तेरे अंदर फिट करूंगा, लंबी सांस ले। चल रहे है, कोई लफड़ा कर और झेल जा, और मल्लिक को ये पैकेट दे। अरे देखो इसका चौंका। हाँ मिल गया फोन, चल बाद में करता हूं। ए, जाके पांडू को बोला कि कुछ लोग पीटे हैं तुमको, इटाका खुल गया है, अस्पताल जाने का है। लेकिन भाई मुझे देख के कहां लग रहा है कि मेरा लफड़ा हुआ है। बड़ी साई, खुद का किराए का घर चाहिए, बजट है 3,000 में, वो भी शांति नगर में। इतने कम बजट में कहाँ मिलेगा साई? इधर का एजेंट लोग आपको इधर उधर घुमा के मामू बनाएगा बस, और रोकड़ा कहाँ जाएगा?
बड़ी तू गया नहीं अभी तक? नमस्ते भाई। रूम मस्त है साईं, देखो भाई दो दिन और दो ना, मैं कैसे भी करके किराया दे दूंगा, बस दो दिन और भाई। अरे चढ़िया, मेरे को सब पता, तू कुछ नहीं करने वाला। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, एक जगह काम किया था अभी तक उसके पैसे नहीं आए हैं भाई, लेकिन मैं कैसे भी आपके पैसे दे दूंगा। चलिए कोई और कमरा देखते हैं। चढ़िया अगली बार ये इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा। इस घर को देखो, भगवान ने भेजा आपको, मैं तो पवा मार के सो गया था, छोकरे ताला मार के भाग गया। शर्तें सुन लो, 3000 किराया है जो अभी देना है, बिजली का बिल टाइम से जमा करना होगा, दीवार में कीलें लगी हैं और ठोकनी हो तो मुझे कॉल करना, सही पानी का पैसा अलग से। कोई और कमरा दिखा सकते हैं? सही 3000 में इससे अच्छा नहीं मिलेगा, किराया और ब्रोकरेज दे दो, फाइनल करता। तुमने तो कहा था तुम मालिक हो। मालिक हूँ ना, फिर ब्रोकरेज? ब्रोकर भी मैं हूँ। सुनो, पब्लिक टॉयलेट उधर है, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा तो फिर तुम यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हो? अबे वो दूर है, ये पास पड़ता है, तो इधर नया है क्या? ए लड़के, समझता नहीं तेरे को, वो बोल रहा है ना उधर जाके करने का, यहाँ क्यों कर रहा है तू? हाँ ए टेलर, तुझे काय को मिर्ची लगी रे, जानता नहीं तू अपन को? अभी छोकरा लोग इधर आएंगे और तेरी मशीन को पेंट से धो डालेंगे, मुंह पे टेप लगाने का अंकल। इसका साबुन स्लो है, बोलने में टाइम लगता है, गालियां चबा रहा है, अभी थूकेगा देखना। देख अभी मोशन बना रहा है, इसके भेजे पे किसी ने पटका मारा था, तब से इसकी हार्ड डिस्क ना हिले लिए, अंदर जो भी भरेला है थोड़ा लेट बाहर निकलता है। 1 2 बुला अपने छोकरे लोगों को, डाल इधर, तेरी उधेड़ दूंगा, बाकी की सिल दूंगा। साले इतने बेकार हो तुम लोग, मुफ्त का खाते हो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, जानवरों की तरह कहीं भी मुंह देते हो। इधर पहले ही इतना कचरा फैला हुआ है, इनकी वजह से पूरा एरिया बास मारता है। टपोरी लोग के मुंह मत लगो, तुम्हारे पूरे बाकड़े को फोड़ डालेंगे ये लोग। मास्टर मैं इस इलाके में नया हूँ, यहाँ कचरा हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है क्या? आज बोलेंगे कि मैं कल आऊँ। हाँ यहाँ पे पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ होना नहीं चाहिए। उधर उस कोने में कचरे की गाड़ी आएगी, कचरा उठाएगी, कचरे के डब्बे को कहीं भी छोड़ देगी और चली जाएगी। मैं बोलता तो टाइम से हूँ, लेकिन शब्द पेट में घूमते रहते हैं, फिर एक ही बारी फिल्टर होकर बाहर निकलते जाते हैं। So you are a rough guy, make it only tough guy, make it only tough guy, you are a rough boy. क्या साहब? एक मिनट, आयरन चाची मुझसे बोलना मारती का है। क्या साहब? मुझे मदद चाहिए। मदद कैसी? मदद मेरी होगी लेकिन काम तुम्हारा है। मस्त कमाने का मौका मिलेगा, क्या बात है। इस कचरे के डब्बे को वहाँ होना चाहिए, यहाँ इतनी बास मार रहा है, चलो साफ कर दो। सिद्धू, ए सिद्धू, तेरे कोई ढूंढ रही थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ऐसा क्या खड़ा है, भूत देखा क्या? मेरा नाम विजय राघवन है, मैं यहीं पर रहता हूँ ऊपर। ये बहुत बास मार रहा है, इस कचरे को यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, कचरा साफ करना इसका काम है लेकिन ये करता ही नहीं है। प्लीज आंटी आप कर देंगी क्या? क्लास बंक करते तो अच्छा होता है, बोर करता है यार। हाँ यार, कुछ पढ़ाने वढ़ाने तो आता नहीं है, ऐसे ही आ जाता है। सही का? एक्सक्यूज मी, हाय हाय, कैसी हो तुम? हे मैं अच्छी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। यू नो व्हाट, रितु कॉलेज जॉइन ही नहीं कर रही है, उसने कहा है वो शाम को कॉल करेगी, हम लोग उससे मिलने चलेंगे। ओके श्योर।
माँ। ए शाने, चल पीछे जाके बैठ। हेलो, हाँ मैं इधर ही ठीक हूँ। अच्छा, वैसे तीन लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। आइए ना, हम तीनों साथ में बैठेंगे। इधर ना, खाली हम दोनों बैठते हैं, तीसरा कोई नहीं। आप चल थोड़ी यहाँ से। बाहुबली की क्या पकड़ है बॉस? ये खुद को हीरो समझता है क्या? ए, ये जगह तेरी नहीं है, पीछे जाकर बैठ। ये सब क्या है सुल्लू? तुमने पूरे कॉलेज में गुंडागर्दी मचा रखी है, सुधरोगे नहीं क्या तुम लोग? अपन का ही कॉलेज है सर, और क्या गुंडागर्दी करेंगे? We will start theory and policy in macro economics today. If we look at the topics, point one, introduction school of macroeconomics. Mass. Hey. Point two, scope of macroeconomics. Shh. Point three. इसको रगड़ते रहो, ओके? वरना. If you look at point number five, monetary and fiscal policies in a closed economy, and point number six. माँ जी रुके, मुझे दीजिए ये कचरा। हाँ दीजिए, सारा कचरा मुझे दीजिए। थैंक्स। ठीक है भाई। ओम नमः शिवाय, नमो नमः कच्ची एकम्बम। अन्ना, आपको याद है आपने ही शुरू में एरिया बांट दिया था, लेकिन अब आपके लौंडे बड़े चौक से लेके एसएस गार्डन तक घुस के नियम तोड़ रहे हैं। हमारे दारू के धंधे की तो वाट लग गई है। तुम्हारा एरिया में 500 से ज्यादा घर आते हैं, तुम रोड से, बिजली से, चारों तरफ से नोट छाप रहे हो। मेरे इलाके में छोटे छोटे घर है, किसी के पास भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से कमाऊंगा? नियम तोड़ना मजबूरी है। ठीक है ठीक है, हम देख लेंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। hey! Hey! क्या है ये, इधर क्यों आया? देखो अन्ना, अपने पालतू कुत्ते को संभालो। hey! तू खाल से बाहर निकल रहा है, जास्ती बोलने का नहीं, इधर ही ठोक डालूंगा। hey! शेट्टी, मैं बात करने आया हूँ। सुल्लू, ठोकने ठाकने की बात नहीं, अब उनका भेजा सड़क जाएगा। देख सल्लू, ये लोग अपने पार्टी के आदमी है, इनसे अपने को सपोर्ट मिलेगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। देखो लालची नहीं होने का, मिले बांट के खाने का, तू भी खुश मैं भी खुश। ठीक है ना, मैं आप पे छोड़ के जाता हूँ। हेलो मल्लिक, जेल में रहना है या बाहर निकलना है? क्यों भैया, क्या हो गया? तेरे लिए इधर बहुत काम बाकी है, दुश्मन कंट्रोल से बाहर हो रहे है, बाहर आ जाए इससे पहले कि वाट लग जाए अपनी। बस निकल रहा हूँ। अरे इधर दो मिनट हल्का हो जाता हूँ। ब्रदर, क्या क्या नाम है तुम्हारा? अरे इस प्यार से स्नेक बुलाते। मेरी एक मदद करोगे? अपन मदद करें? अपन से मदद मांगोगे तो जान हाजिर है, लेकिन अगर धोखा होगा दिया ना तो जान ले लूंगा। बोल, जान लेने की है कि देने की? बीज। बीज क्या बोल? हाँ, ये बीज बो दो। क्या ये बीज? देख भाई, अपन को खेती वेती नहीं आती है। मिस विजयलक्ष्मी। यस मैम। हाय ब्रो। हाय। ये बताओ ब्रो, पूरी फीस एक ही बार में दे रहे हो या इंस्टॉलमेंट में? कैसी फीस? क्लास की फीस, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मैंने स्कॉलरशिप का एग्जाम पास किया है। ओह नाइस ब्रो, मैंने भी वो एग्जाम दिया था लेकिन नालायक फेल हो गया। पापा, तुम्हारी रैंक कौन सी थी ब्रो? सिक्स्थ। सिक्स्थ? और तेरी रैंक नालायक 5 लाख की 6 लाख? पापा एक मिनट शांति रखो ना। देखो, तुम लोग यहाँ सिविल सर्वेंट्स बनने के सपने को लेकर आए हो, ये IAS, IPS, IFS पास करने के लिए आप सभी को 3 मुकाम पार करने होंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबको पहले प्रीलिम एग्जाम पास करना होगा, और उसके बाद मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम के बाद दिल्ली में इंटरव्यू। ए लखो, सुबह सुबह शुरू हो गए क्या?
राघवन, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कहाँ से हो तुम? कंबन के पास के गांव से। चेन्नई में क्या कर रहे हो? सिविल सर्विसेज के लिए आया हूँ। ओह, ऑफिसर बनने आए हो? ऑसम ऑसम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आईएएस या आईपीएस? आईएएस के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अपना नंबर दो ना। फोन नंबर? वो क्यों? कल को तुम कलेक्टर बन जाओगे ना, तो नंबर तो देकर रखो। इतने बड़े आदमी का नंबर तो होना चाहिए ना मेरे पास। चलो बोलो। 921 921 डे कॉलेज, 225 आईएएस कोचिंग क्लास, 6 to 10 ट्यूशन क्लास। बिजी शेड्यूल है मेरा, बात करने का टाइम ही नहीं। जब फ्री होगी तब तो बात कर सकते हो ना। जब मैं फ्री होऊंगा तब पढ़ाई करूंगा। अरे कभी तो टाइम होगा ना, मुझे फोन दो अपना। ए फुल टॉस क्यों डाली? हाँ यार क्यों डाली? बंटा है कैच कर। तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो क्या? हाँ फेल हो गए थे तब से नहीं जाते। फिर क्या, तब से जिंदगी बिंदास जी रहे। तो फिर दोबारा एग्जाम नहीं दिया? ए आउट 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 ए आउट ए। अरे कोई फायदा नहीं है सर, फिर से फेल ही हो जाएंगे। ये किधर बॉल डाल रहे? तुम में से कितने लड़के हैं जो फेल होने के बाद स्कूल नहीं गए? हाँ इधर अपन लोग का गैंग है, एक गैंग इंद्रनगर में, कुछ उधर के ब्लॉक में भी है। सब अपनी पार्टी के छोकरे हैं, कोई भी लफड़ा हुआ लाइट के माफिक पहुंच जाते हैं। तुम्हें लाइट की स्पीड मालूम है? क्या लाइट की भी स्पीड होती है क्या? हाँ होती है। मेरे पास ट्यूशन के लिए आओगे, मैं वादा करता हूँ सब पास हो जाओगे। बिना पढ़े थोड़ी पढ़ाई थोड़ी मस्ती। ए, देख कुमार आया है सबके छक्के छुड़ाने। ए क्वार्टर कटिंग शाना बन रहा है क्या? ए, कुमार तेरे उधर आया था अपन, उधर बाइक नहीं थी तो अपन आ गया वापस। ए बाइक नहीं बोलने का तो इसको क्या बोलू? ड्रैगन। ड्रैगन आग फेंकता है क्या? देखना धुआं तो देख। सुनाई दिया ना? अरे सुन लो, हाँ भाई माल पैक हो गया। हाँ हो गया भाई, शाम तक डिलीवरी मिल जाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हाँ अपुन है ना, अपुन करता है आपको। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या? मैं लुखे दांत बनकर नहीं भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ, दांत तोड़ डालूंगा तेरे। नमस्ते, मैं विजय राघवन हूँ, ब्लॉक 26 में रहता हूँ। आपके बेटे ने फेल होने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया, आप उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए भेज दीजिए, वो पास हो जाएगा। अरे वो घर ही नहीं आता तो ट्यूशन क्या जाएगा? लोगों को ज्ञान बांटता फिरता और खुद कुछ नहीं करता। मेरी तबीयत खराब रहती है, दर्द के मारे रात भर नींद नहीं आती। और ये छोकरा आजकल कोई मलाविका के गुण गा रहा है, अगले हफ्ते किसी और लड़की का नाम जपेगा। मैं भी उसका ट्यूशन लगाने की सोच रही थी, भेज दूंगी उसे। सुनना, लगता है ये ट्यूशन पढ़ा। हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मटन खाते ग्रेवी एक्स्ट्रा भेज दे बोलो। अरे सुनो, देखो हा? ये देखो कितने पानी में है, 100 में से 8 लाया है, नालायक। ये क्या है? तुम्हारा सिग्नेचर। तूने मेरा साइन चिपका डाला, तो तेरे को बुरा लगता। ये लुखे क्या पढ़ेंगे, इनका बाप एक नंबर का बेवड़ा है, दारू पी पी कर लीवर खराब कर लिया है, स्कूल छोड़ के सारा दिन लुखों के साथ घूमता है। मैंने तो इसका स्कूल बैग भी भेज डाला। किसी की नहीं सुनता, दारू की लत लगा ली। दादी ब्रीजर होता है वो, देखो बाल कैसे हो गए हैं। अगर आप इसे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने भेजेंगे तो ये पक्का पास हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, इसका पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है, दुकान पे बैठ के धंधा देखेगा। ये पढ़ लिख करके ये ऐसी 10 दुकानें खोल पाएगा। अगर ये पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और खुद का अच्छा घर बना लेगा। क्या रे जाएगा तू? दोस्त लोग जाएंगे तो चलेगा, अकेला नहीं जाऊंगा। आप जाइए, मैं उसे भेजता हूँ। टांगे तोड़ दूंगी इसकी अगर स्कूल नहीं गया। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, आप इनमें से मजा लेते हो तुम सबके सब। हाँ एरिया का ट्यूशन मास्टर है साहब, एकदम मस्त छोकरा है। सर ये सब अपन के दोस्त लोग आए, ये सब भी आज से अपन के साथ आपके पास ही पढ़ेंगे। सुल्लो वो येड़ा ट्यूशन मास्टर बनता फिर रहा है। वो तो खाली ट्यूशन मास्टर है, अपना सुल्लो भाई तो प्रिंसिपल है भाई। क्या हुआ? अरे भाई इंस्पेक्टर साहब आए। हाँ बुलाओ उसको। आइए साहब। नमस्ते जी। क्या रे फिर से, दो छोकरे चाहिए मेरे इलाके से? जी सर,
ये केस क्लोज करने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर है। पिछले महीने 5 लौंडे लेकर गए थे तुम, उन सबको अंदर कर दिया, लेकिन पेमेंट खा गया क्या बताओ? पुरानी पेमेंट और आज का एडवांस दोनों देता हूँ ना, मेरी मजाल जो शेट्टी अन्ना से गुस्ताखी करूँ? अच्छा जोक था, बहुत हंसी आई। दो चोकरे चाहिए क्या, तो उठा लो, गिरफ्तारी होगी। घर वाले छुड़वाने के लिए मेरा बेजा खाएंगे, मैं बोलूंगा छुड़वा दूंगा। पेमेंट का क्या? सर रिश्वत लेना तो हमारा काम है, देते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। जाओ जाओ, दो लौंडो को उठा लो, लेकिन बैलेंस पेमेंट याद रखना। अच्छा आप बताओ, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है? जौ, गेहूं, चावल, चना? चावल सर। शाबाश। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ, सिर्फ तुम ही लोग आए हो? अरुण और सुनील कहाँ हैं? दोनों को पुलिस उठा कर ले गई सर, बोलते हैं कि उन दोनों ने कमिश्नर के बेटे को मारने का प्लान बनाया था, सब झूठ है सर। अरे ये देखो, अपने मास्टर जी आ गए। सर आप तो जानते हैं मेरा बेटा अब सुधर गया है, वो अपने पूरी लोगों के साथ नहीं रहता है, लफड़ा किसी और ने किया और ये मेरे बेटे को उठा के ले गए। बनाया हुआ केस है सर, पहले भी दो केस में इनका नाम आ चुका है, अब इन पर 75 ठोक डाला, बड़े लोग मिले हुए सर, लेकिन अगर इंस्पेक्टर चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा था ना अपने बाल कटवा लेना। बाल ही कटवाने के लिए गए थे सर। कहा था, कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरा है क्या? ले फाइल साइन करके इन्हें अंदर डाल। सर कल इन बच्चों के एग्जाम है, कल तक ये लोग आवारा गर्दी करते होंगे, लेकिन अब सुधर गए सर। अगर आप इनको कस्टडी में ले लेंगे तो ये कल एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सेक्शन 75 ही है ना सर, अगर आप चाहें तो इन्हें आराम से बेल दे सकते हैं। सर ये इनके ट्यूशन मास्टर हैं, IAS की तैयारी भी कर रहे हैं। तभी हमें ज्ञान पेल रहे हो, दो केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अगर तीसरे केस में नाम आया तो लंबा अंदर जाएंगे। अभी आया तो नहीं है ना, तो क्या छोड़ दें? मालूम है इनकी करतूतें, दिन रात कोने में बैठकर गांजा फूंकते रहते हैं। सर बड़ी मुश्किलों से मैं इन्हें पटरी पर लाया हूँ, कल इनका एग्जाम है सर। FIR हो चुकी है, ये सब अदालत में बताना। ये लीजिए सर, ये कंप्लेंट तो पिछले साल हुई थी सर, और अरेस्ट आपने अब किया? हाँ, एक साल से हम इन्हें ढूंढ रहे थे, अब जाके पकड़ में आए हैं। ये तो बाजू में रहते हैं और इन्हें ढूंढने में आपको एक साल लग गया? पता है ये लोग किसे मारने वाले थे? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के बेटे और उसके आदमियों को। नहीं सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ये सरासर झूठ है सर, आप असली मुजरिम नहीं पकड़ पाए तो इन बच्चों को फंसा दें। नई शर्ट पहनी है, 2 मिनट लगेंगे फाड़ने में। ए सर बाहर निकाल साले को। ओके सर। मास्टर हमें ट्यूशन पढ़ा रहा है। माँ अगले महीने Level 2 का एग्जाम है। भगवान तुम्हें कामयाबी देगा। जी माँ। मुरुगन आपकी दवाई लाया? हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत कर। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना। मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, तू भी अपना ध्यान रखना। नमस्ते माँ, मैं वंदना हूँ, आपके बेटे की क्लासमेट, आप उसकी जरा भी फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसका पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ। उसने बताया होगा ना मेरे बारे में? नहीं बेटा। नहीं बताया तो बताएगा। ख्याल रखना अपने भाई का। क्या भाई, दोस्त है वो मेरा माँ। अच्छा ठीक है, ख्याल रखिए, बाय बाय माँ। जब तुम्हारी माँ यहाँ पर आएंगी ना तो मुझसे जरूर मिलवाना। वो घर से तब निकलेंगी जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। क्यों? उधर देख सुन लो, प्यार के जाल में फंसे दो पंछी फड़फड़ा रहे हैं। तू बोले तो मैं जाके जाल काट दूं क्या? तेरे को क्या ऐसे टाइप की लड़कियां जमती नहीं है क्या सुलो? ऐसी रापचिक लड़कियां अपन को काय को पसंद करेगी रे? अबे तेरी शक्ल मुझसे नहीं जली जाती तो वो क्या जलेगी? सॉरी, तुम्हारी माँ के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। मेरी माँ का सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और मेरा सपना है कि मैं मेरी माँ का सपना पूरा करूं, इसलिए मेरा ध्यान बुक्स, स्टडीज, स्कॉलरशिप इसी में रहता है। तो तुम स्कॉलरशिप लेके मुफ्त में IAS ऑफिसर बनोगे? नहीं, इसकी कीमत माने चुकाई। तो क्या करने गए? लव स्टोरी खत्म, एक्शन चालू। और ये प्यार के पंछी? आई माने तेरे, सबको अपन देख लेंगे, तू अपना गटर बंद रख।
जानते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई। नमस्कार। रेड्डी अन्ना जिंदाबाद। 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 कैसे सब, कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोग ठीक है ना? जी अन्ना। सुनो मल्लिका, जी सर। मैं टैंकर वाले को बोला सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने का, क्यों ठीक है ना? ठीक है। और मैंने इलाके में मच्छर की दवा छिड़कने का बंदोबस्त किया है, सब खुश हो ना? यस सर। हाँ, मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा करूँगा। वैसे तुम लोग भी मेरा ध्यान रखने का, समझ गए ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का, अब बीच बोलने का, मैं ठीक करेगा प्रॉब्लम। बोट का टाइम पे पलटी नहीं मारने का। अन्ना जब आप हो तो इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, बराबर बोला ना? ए! तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आने का, ऐसा ही चलेगा सब। मैं इस एरिया में ट्यूशन लेता हूँ सर। पुलिस कभी भी बच्चों को उठा ले जाती है और किसी भी झूठे केस में फंसा देती है सर। अगर आप इसकी जांच करवाएंगे तो अच्छा होगा सर, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है सर, खुद सोचिए। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। बस आज का एग्जाम क्लियर कर लो, फिर एक आखिरी इंटरव्यू बचेगी, रेडी ना? ये तीसरा अटेम्प्ट है, पिछली दो बार मैं क्लियर नहीं कर पाया। हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ के बारे में सोचो, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ट्यूशन मास्टर। हेलो। समझता क्या अपने आपको, सुल्लू की कॉलेज में तूने ही बेइज्जती की थी ना, और शेट्टी अन्ना के सामने भी शान पट्टी कर रहा था, चाहता क्या तू? देखिए मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे दो स्टूडेंट्स को पुलिस उठा के ले गई, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। किसने बोला आवाज उठाने को? परमिशन किसने दी तेरे को? क्यों बोला था तू? इधर देख, इधर रहने का तो जास्ती नहीं बोलने का, भेजे में फिट कर ले। क्यों रे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है। भाई लोग के माफी, क्या खुन्नस दे रहा है तू? लग ही नहीं रहा तेरे को खुन्नस दे रहा है भाई। ये देखने में तो यड़ा लगता है पर अंदर से डेढ़ शाना है, अभी भी खुन्नस दे रहा है। अरे अपन एक छोटा बच्चा है और तू बच्चे का खिलौना है, अब देख बच्चा खिलौने के साथ कैसे खेले। ये ले। अरे खिलौने को मारा क्यों? खिलौने खुन्नस दे रहा है। बेचारा। कोई बेचारा बेचारा नहीं है। प्लीज बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, उनको पढ़ाना है, प्लीज मुझे जाने दो। एक राफ्टा और थोपड़ा देख इस लल्लू का, क्या सॉलिड दिया है। एक और देना मेरी तरफ से। सॉरी सर। हाथ देना है, अबे क्या करना है मेरे को। आगे नहीं बढ़ने का, एक अभी भी घूर रहा है। मास्टर तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा कभी भूलेगा नहीं। सुन लो, देख अपन इसका कैसा बैंड बजाता है। ए लुके, कितनी बार समझाया तेरे को है? मेरे सामने सीधा होके रहने का, मेरे कह रहे तेरे को मदर तेरेसा बनने का है क्या? अब देख तू सोचेगा साला मैं पैदाइश का एक हुआ। सर अब ठीक है ना सर? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? वो गुस्सा करके क्या उखाड़ लेंगे, उनकी ताकत तेरे को मालूम है ना? जब तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन तुम्हें बिना भटके अर्जुन की तरह अपनी नजर अपने लक्ष्य पर जमा कर रखनी होगी, तभी अपनी मंजिल पा सकोगे। सर अगर आप कलेक्टर बन गए तो इनकी बैंड बजा कर रख देना। हेलो, तुम्हारी कल सुबह की ट्रेन है ना? हाँ है। अपना टिकट कैंसिल कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए 10 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है। अरे पैसे क्यों वेस्ट कर रही हो? ट्रेन से 24 घंटे लगेंगे, थक जाओगे। थैंक्स। हे आईएएस ऑफिसर बन के आना। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट।
गुड इवनिंग सर। एग्जाम की तैयारी हो गई? परमेश कहाँ है? सुल्लू के लड़के लेकर गए उसे, कल एग्जाम है। मैंने पूछा उसे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे गुस्से से देख कर चले गए। देख रहे, ये सुपड़े का फिर से चालू हो गया। अबे मोगैम्बो, अपनी हंसी से हमको काय को दुखी कर रहे ले बे। ये कितना भयंकर रस्ता है रे, दिमाग सटकेला है इसका लगता है। ए परमेश, तुम्हें पता ना कल एग्जाम है, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो मेरे साथ चलो। हमारे छोकरा लोग की लाइफ में काय को एंट्री मारता है रे। कल इसका एग्जाम है, इसे रिवाइज करना है। इधर रिवीजन ही तो चल रहा है ना, चल तू गलती मार। अपन के अड्डे से अपन का छोकरा ले जाएगा रे। अब जाओ, मैं बाद में आता हूँ, अपन ने रिवीजन कर ली। परमेश पहले ही 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन इस बार इसको हर हाल में पास होना है। ए, चलो। ए रुकना, ए रुकना, ए तुझसे ही बोल रहा हूँ। रिवीजन नहीं कर रहा सर, तुझसे ही बोल रहा हूँ। अरे सुनना, हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया, माफ करना। गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया सो मर गया। ए माँ के पास रोने घर जा रहे ला क्या? अबे बोलना। ए, जाके देख साले को। ए, जाके देख साले को। अरे ये तो अपशगुन हो गया। ए, मारा क्यों? अब मेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इधर बैठ के पूरे कार्यक्रम की कमेंट्री देता हूँ। अब नए खिलाड़ी सुल्लू मैदान में उतर गए हैं और फुल स्पीड में मास्टर जी की ओर गेंद फेंका और यह शानदार कैच मास्टर जी का। और यह सुल्लू का पलटवार, लेकिन सुल्लू गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और ये गया सुल्लू बाउंड्री के बाहर 4 रन। और अब सुल्लू फिर से मास्टर जी की ओर भागते हुए ये पकड़ा, ये दो, ये तीन, ये चार। मैं मर गया। अबे छोड़, मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। मां कसम, मार डालूंगा तुझे मैं। चक्कर आ रहे मुझे, अस्पताल लेके चल, मैं गिर रहा हूँ। पकड़ रहे। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कमल, तुम तो जानते हो मैं एक शांत आदमी हूं। सोलू से कहना कि मुझे माफ कर दे, मैं यहां सिर्फ पढ़ाने आया हूं। कल बच्चों का एग्जाम है, ऊपर से वो मां पर जा रहा था तो गुस्सा आ गया। प्लीज सोलू को समझा देना। सॉरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तुम सोलू को मारो या टुल्लू को, मैं तो बस यहाँ चुपचाप बैठकर कमेंट्री दे रहा था और जनता का मनोरंजन कर रहा था। ओके सी उपाय भाई, पता नहीं शरीर में कौन कौन सा पुर्जा टूटेला है।
छी, चिल्लाने का नहीं, इतना दर्द हो रहा है तो दारू पी के लफड़ा क्यों करता है? अब मुझे तंग कर रहा है। अबे मस्त दो क्वार्टर मार रखे थे, सारा मूड खराब कर दिया यहाँ बुलाकर। उस ट्यूशन मास्टर ने सुल्लू की पुंगी बजा डाली है। ओ ऐसा क्या, वो तो मेरे भाई की भी ट्यूशन लेता है। इस कब में रहता है बे? चल अब मुंह का गटर बंद कर और उसे पकड़। ए तुम सब इधर ही रहना, अपन उस मास्टर का पोस्टर बनाकर आता है। ए दरवाजा तो बंद है, चल ऊपर देखते। कहीं दिखा क्या? ए लाल चड्डी देखा क्या? अपुन ऊपर देख के आता है। ए मिला क्या वो ट्यूशन मास्टर? नहीं मिला। सुल्लू को कुत्ते के माफिक बजाया, किधर थे तुम लोग? फुल टाइट था, नींद आ गई बॉस। खबर मलिक तक पहुंच गई है, मालूम है? ये बॉम देख, बहुत चर्बी चढ़ी है उसे। सारी चर्बी निकल जाएगी साथी। हाँ, हाँ। मैंने सुल्लू को पहले ही सॉरी बोल दिया है, मुझे कल दिल्ली जाना है, आईएएस का इंटरव्यू, प्लीज सर। ए खड़े खड़े थोपड़ा क्या देख रहा है, बॉम जला? ऐसा मत कीजिए सर, देखिए कल मेरा एग्जाम है सर, जाने दीजिए प्लीज। तुझे बताता हूँ सर, प्लीज सर, नहीं 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 सर। ए, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि भाग के आओगे तो भी नहीं पकड़ पाओगे। आप क्या कह रहा है ये? उड़ के भी आओगे तब भी नहीं पकड़ पाओगे। ए, पकड़ो साले को। ओ तेरी, पकड़ा गया। अरे बाप रे, बहुत जोर का ठोक रहा है बबुआ को। कहा देख रहे हो, हम जॉगिंग वहां कर रहे हैं। यू कंटिन्यू। मलिक बोल रहे हैं, आज है जेल से निकले हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने शुरू किया। तूने नहीं किया, सुल्लू का ठुल्लू बनाए दिए हो। वो भी कॉन्फ्रेंस में है। बोला सुल्लू? सुल्लू सॉरी सुल्लू। सुल्लू शांत हो जा बे, हमको बताए तू छोकरा लोगों को पढ़ा रहा है, बढ़िया काम है। फिर ये मारपीट काहे करता है बे? प्लीज जाने दो, कल दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक शर्त है हमरी, तुरंत हमरे अड्डे पर आ और सुल्लू से माफी मांग, फिर जहाँ जाना है जा। माफी नहीं चाहिए मेरे को। सुल्लू चुप हो जा बे, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलने का, हाँ तो माफी मांगने तुरंत आ, लेकिन ओका साथ हम तोरे हाथ का एक हड्डी भी तोड़ूंगा। ये हमारा बेस्ट ऑफर है, नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। बात भेजे में फिट हुई। हेलो हेलो, फोन काट दिया साले ने। भाई हम लोग ने अखा नहीं ढूंढा उस मास्टर के बच्चे को, साला मिस्टर इंडिया किधर गायब हो गया मालूम नहीं। हाथ आते मसल के रख दूंगा। मैं स्कूल पहुंच गया सर, फ्रंट और बैक गेट। बैक गेट पर? हाँ दिख गए दिख गए, देखो मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। हाँ अब दिख गए सर। चल चल डाल अंदर डाल अंदर। अरे
मास्टर हो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का ना, लड़ाई काहे को करता है बे? सुल्लू पे मलिक भाई का हाथ है, मलिक भाई पर काउंसलर शिंती अन्ना का, और काउंसलर के ऊपर पूरी पार्टी का हाथ है। किसने बोला था तेरे को शान पट्टी दिखाने को? ए थोड़ा धीरे धीरे मारो, इलेक्शन पास है। ए कभी ने गाड़ी का शीशा क्यों फोड़ डाला रे? परसों ही सेकंड हैंड खरीदा था चोर बाजार से। नीचे उतर, घसीट के ला साले को। सर मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे आईएएस के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है, ये मेरी माँ का सपना है सर, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सिर्फ ट्यूशन मास्टर हूँ, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। हम तुझको बहुत अच्छा ऑफर दिए और तू हमारा फोन काट दिया। पता नहीं कैसे कट गया, गलती से कट गया। को भी ना बताए, नो मर्डर। अबे तो बता देना, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंचना है। हमारे एरिया में घुस के हमसे पंगा लिया बे, तो का जिंदा काट दूं? ए तू बाया हाथ पकड़, तू दाया हाथ पकड़ और काट दे बीच से। सर मुझे जाने दो सर, जाने दो सर, मत रोको सर, प्लीज मुझे मत मारो, ऐसे मत मारो सर, मुझे जाना है सर, मेरा इंटरव्यू है सर, सर मत मारो, मुझे जाने दो सर, मुझे प्लीज जाने दो भाई, मेरा इंटरव्यू है। इसने अपनी मुट्ठी बंद रखी है। जाने दो सर, मैं आपके हाथ छूता हूँ। तू साला गांव का कीड़ा शहर की सड़क नापने को आया है, उठाए के फेंक दो साले को। हेलो, हाँ सुल्लू, तो हार बदला ले लिया। कौन सी नदी है जिसमें नहाने से मोक्ष प्राप्त होता है? कुवम नदी चेन्नई केसवरम गांव से निकलती है, लंबाई 72 किलोमीटर, बे ऑफ बंगाल गांव से जाकर मिलती है। विजय राघवन अपनी माँ का एक काम करेगा। क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ, मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। अरे इसकी लंबाई तो पेपर से भी कम है, ये ले एक्स्ट्रा पेपर। आपने पूरी कोशिश की हमारे बच्चों को पढ़ाने की, उनके दिल में दया नहीं है, जानवर से भी बदतर है वो लोग सर। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सॉरी सर। कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा सर। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम एक गुंडे को मारोगे 1000 पैदा होंगे। तुमने हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्या करें हम, हमारी किस्मत पे यही लिखा है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में, खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाला रे। ये दुनिया खिलाफ हुई मेरे, समझा मुझको उनका दुश्मन, सारी मुश्किलें सही मैंने, बस तेरा बचाने को जीवन, नेकी की राह पे चलना तू, अच्छाई से खुद को भरना तू, दर्दों से लड़कर सीखेगा आसमान में उड़ना तू। कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में, खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाला रे। उदम प्रताप जिंदाबाद, उदम प्रताप जिंदाबाद, उदम प्रताप जिंदाबाद, उदम प्रताप जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, उदम प्रताप जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उदम प्रताप जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उदम प्रताप जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उदम प्रताप जैसा हो। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी नॉमिनेशन के लिए खुद यहाँ तक आए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और इस साल भी काउंसलर का इलेक्शन जीतूंगा, आपको स्वयं भगवान ने जनता की सेवा के लिए अपना दूत बनाकर भेजा है, स्वागतम। धन्यवाद, नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दें, शुभ घड़ी निकलने से पहले 10 और वार्ड में जाना है मुझे, लगता है ऑपोजिशन कैंडिडेट हमसे पहले ही पहुँच चुका है। भाई पदम प्रताप आ गए। आइए पदम प्रताप जी, बहुत दिनों के बाद दिखे, स्वागत है। इस इलेक्शन के बाद हम मिलते रहेंगे, ऑपोजिशन में कौन सबका चहिता स्टार कुमार, लोग मुझे सुपरस्टार कुमार कहते हैं,
टीआरपी किंग, अपने दुश्मनों के लिए पनौती हूँ। पनौती कुमार की जय। और कोई नमूना नहीं मिला आपकी पार्टी को? अरे सर, इसका तो प्रतिदिन 7:30 बजे शो आता है। इसकी महिला फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी घरों में हर शाम 7:30 बजे मैं ही दिखता हूँ। ए जोकर, तू उनके घरों में होता है लेकिन लोगों के दिलों में मैं हूँ। मैं मेरे वोट बैंक की रक्षा कर। जय महादेव। दे दो मुझे विजय प्राप्त करवाना, ये रहा मेरे नॉमिनेशन। इस वार्ड से सिर्फ दो ही कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल, वैसे एक बुढ़ा भी था, दो लाफे मार के बिठा दिया उसे। अच्छा है, दो ही कैंडिडेट्स हैं, आपका काम आसान हो गया। दो नहीं सर, काउंसलर की पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। अभी तीसरे का फोन आया था, उसने ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया था, फॉर्म जमा करने के लिए बस आने ही वाला है। तूने तो कहा था दो ही हैं, ये तीसरा कहां से टपका? ये मुझे दो। अच्छा तो तुमने कॉल किया था? जी सर। आई डोंट नो। ये नया छोकरा कौन है? पदम भाई, अपने एरिया का ट्यूशन मास्टर है। ओ मास्टर जी, मैं पदम प्रताप, नगर सचिव। हेलो सर। मैं कभी हाथ नहीं मिलाता, हाथ जोड़ता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किस एरिया से हो तुम? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हें अभी कोई नहीं जानता। अब राजनीति के अखाड़े में उतर रहे हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें जान जाएंगे। किस एरिया से हो? शांति मार्ग, जी ब्लॉक। कौन से गांव से? कंबन के पास के गांव से, यहाँ किराए पर रहता हूँ। ओ अच्छा, दूसरे शहर से। यहाँ क्या करने आए हो? चलो छोड़ो, स्वतंत्र देश है, कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है। तुम भी खड़े हो जाओ लेकिन डगमगा मत जाना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। तो जल्दी मैदान में मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। मैंने अपने लड़कों को बोल दिया है, नोटों का बैग तुम्हारे घर पर पहुंचाएगा। पार्टी का नाम रोशन करोगे ना? सेवा करता रहूंगा, मेवा मिलता रहेगा, क्या कहते हो? आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो उड़ जाएगा, धूल के माफिक है। हाँ, कांच का टुकड़ा भी धूल के बराबर होता है, लेकिन आंख में घुस जाए तो खून निकाल देता है। खून से क्या डर है? हाँ, खून में तो हम लोग स्विमिंग करते हैं। जब ताकतवर दुश्मन तुम पर भारी पड़े तो सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला, उससे भागकर कहीं दूर भाग जाओ, या फिर उससे मुकाबला करो, उस पे भारी पड़ो। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है। सही फैसला करना बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो एक ना एक दिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। सिर्फ कमजोर आदमी अपनी किस्मत पर रोता है, जंगल में भी कमजोर जानवर का सबसे पहले शिकार होता है। शेर हमेशा अकेला चलता है और शिकार भी अकेला करता है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। नगर को अगर मिनी सिंगापुर बनाना चाहते हो तो शेट्टी अन्ना को वोट दो। ट्यूशन मास्टर इलेक्शन लड़ रहा है, कलम को ही वोट देना माँ। अभी ट्यूशन मास्टर पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा है? अरे तो एकदम मस्त है ना, हमारे आवारा बच्चे उसकी वजह से सुधर गए हैं, उसके जैसा काबिल और कोई है तो क्या? ट्यूशन मास्टर का मुकाबला शेट्टी अन्ना से करेगा? पापा, हमारे ट्यूशन मास्टर इलेक्शन में खड़े हो रहे। ये इसने नया पंगा ले लिया, और जीत भी गया तो क्या उखाड़ लेगा?
समझता नहीं है मास्टर। हम अपनी लाइफ का पहला वोट डालने जा रहे हैं और हम सबका वोट मास्टर जी को ही जाएगा। अरे जो इंसान इतना हमारा आवारा छोकरों को सुधार सकता है, क्या वो इलाका नहीं सुधार सकता? मैं तो मास्टर को ही वोट दूंगा। ट्यूशन मास्टर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कोई खड़ा हो या बैठे, मेरा वोट शेट्टी अन्ना को ही जाएगा। रिकॉर्ड्स के अनुसार हर वार्ड सालाना 40 लाख रूपए पानी की सप्लाई पर खर्च करता है, फिर भी हफ्ते में 3 दिन हम पानी के लिए लड़ते रहते हैं। ये पानी की टंकी पिछले साल लगी थी, जानते हैं इस पर कितना खर्चा हुआ? सर इस टंकी को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख रूपए खर्च हुआ होगा। और अकाउंट्स बता रहे हैं कि 7 लाख का खर्चा हुआ है, यानी 5.5 लाख का झोल। इलाके में 24 टंकियां लगी हैं, यानी 1,32,00,000 की चोरी। आपका पैसा लूट रहे हैं। पदम प्रताप ने इलेक्शन का खर्चा पानी भेजा है, मेरे को लगेगा सिर्फ 30 लाख। बाकी का सारा पैसा जनता में प्रसाद की तरह बांट दो और मुझे जिताओ। ए रुक बे, 20 लाख और लगेगा। आधा प्रसाद खुद ही खाओगे क्या? मेरा पेट में तेरा मुंह जैसा बड़ा है। चेन्नई पुलिस आपको सूचित करती है कि इलेक्शन के दौरान वोटों को पैसों से खरीदना अपराध है। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कान खोल के सुन लें, वोट फॉर शेट्टी अन्ना, वोट किसी को ना बेचें। वोट फॉर शेट्टी अन्ना। फैली हुई गंदगी से सिर्फ बदबू ही नहीं निकलती बल्कि उससे जानलेवा बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए स्लम बोर्ड मेंटेनेंस वाले हर साल सफाई के लिए 35 करोड़ सैंक्शन करते हैं। और यहाँ का हाल देखो, इसके जिम्मेदार जो गलत कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि हम सब भी हैं। हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। उनके दिए जख्मों से मुझे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन गाँव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी ये पीड़ा आज तक सह रही हूँ। सिर्फ तुम ही मेरे घाव भर सकते हो। माँ अपन ने एग्जाम पास कर ली। यो बॉस हो गए, बॉस सर बता रहे हैं अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए सर। वोट फॉर शेट्टी अन्ना। बिजली की प्रॉब्लम मैं यहाँ से हटाया। वोट फॉर शेट्टी अन्ना, वोट फॉर शेट्टी अन्ना। हाँ मैडम, सब मजे में ना। पिछले 10 सालों में किसी भी आदमी ने शेट्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इन रोड्स को बनाने के लिए सरकार ने 30 लाख सैंक्शन किए थे, उसके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स दगाबाज हैं। आप सभी को अपने अपने क्षेत्रों में काउंसलर की सीट किसी भी हालत में जीतनी होगी। वोट दे दिया। सर मैंने भी दिया। शेट्टी 7201 वोट। आगे सुनिए, टीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार 6631 वोट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन 2567। अपने भाई का नाम आया, भाई का नाम आया, भाई का नाम आया। बता तुड़े, कितना पैसा खाया है हमारे सुपरस्टार के वोट को गायब करने के लिए। मुंह तोड़ दूंगी, चल निकल। दूसरे राउंड के रिजल्ट, गोपाल शेट्टी 10,341 वोट, सुनील कुमार 11,060 वोट, विजय राघवन 7,241 वोट। टीएमके कैंडिडेट गोपाल शेट्टी 15,501 वोट, पीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार 11,171 वोट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन 15,508 वोट। अन्ना हम 7 वोट से जीते नहीं है, 7 वोट से हारे हैं। अरे भाई संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। कैंडिडेट विजय राघवन वार्ड नंबर 45 का नया काउंसलर है। ओए, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। बिल्कुल मर जाना चाहिए, लेकिन अभी आपका कोटा पूरा नहीं हुआ ना। कैसी बातें करता है। जिस दिन उसने कॉलेज में कदम रखा था तभी से लफड़ा चल रहा है।
क्लासरूम में सुल्लू तो उसे लात भी मार चुका है। फिर उसने सुल्लू को बुरी तरह से धोया तो सुल्लू ने मलिक को बताया, फिर उन्होंने मार पीट कर हमसे उसे नाले में फेंकवा दिया। सोचो अगर मार डालते तो। ए, फिर तो ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अन्ना बस हमका परमिशन दे दीजिए, कल का ब्रेकिंग न्यूज हम लिखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, चेन्नई में दिन दहाड़े काउंसिलर की क्रूर हत्या। इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारा फायदा उठाए, तुम्हें उसको विश्वास में लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। लेकिन सबसे पहले दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे और पार्टी की जानकारी के बिना किसी भी वार्ड को कोई भी रकम सैंक्शन मत करना। कैसी हो मैडम? मैं अच्छी। भाई वार्ड नंबर 45 का काउंसलर मुझे सुबह से कॉल कर रहा है। अजीब बात है भाई, वो आपको कॉल क्यों कर रहा है? ठीक है भाई। सर मैं काउंसलर विजय राघवन बात कर रहा हूँ। वैसे मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे जैसे नए आदमी के लिए आप एक प्रेरणा है, मुझे हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको कॉल करता रहूंगा, सही मार्ग दिखाइएगा मुझे। तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनकी नीयत खराब होगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम घबरा गए तो वो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। बुरा इंसान सिर्फ अपना दिमाग लगाकर खेल को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन एक सच्चा इंसान दिल और दिमाग लगाकर खेल में विजय प्राप्त कर सकता है। बहुत आनंद के साथ मैं आप सबका यहां स्वागत करता हूं। सारे नए काउंसिलर्स अपना परिचय दीजिए। तुम्हारा नाम? विजय राघवन, वार्ड नंबर 45 सर। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज तुम कोई नया प्रस्ताव पेश करने वाले हो ना? जी सर, हमारे काउंसलर फंड से जो भी पैसा खर्च होता है उस अकाउंट का हिसाब किताब आम आदमी को भी पता चलना चाहिए। मैं समझा नहीं। सर जैसे हमें अपने बैंक अकाउंट के हर ट्रांजैक्शन का पता होता है, सीधा मोबाइल पर मैसेज आता है, ठीक वैसे ही बैंक से हर एक परिवार को फोन पर काउंसलर फंड ट्रांजैक्शन का मैसेज आना चाहिए कि कितना फंड आया और कितना खर्चा हुआ। इस तरह से मैं लोगों को बैंक के डायरेक्ट मैसेज से जोड़ना चाहता हूं। इससे होगा ये कि सब कुछ पानी की तरह साफ रहेगा। अरे क्या कहा तुमने, पगला गए हो? है तुम्हारा मतलब है अब हम दरवाजा खोलकर सबके सामने नहाएंगे? मास्टर साहब हमें मत पढ़ाओ, बैठ जाओ, हम सब पास होकर आए हैं। प्लीज बैठ जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। हमें पढ़ाने वाला मजाक समझा है क्या पॉलिटिक्स को? तुम कैसे बताओगे लोगों को कि गवर्नमेंट ने कितना दिया है और कितना खर्च हो गया है, ये कैसे संभव है? लेकिन अगर ये संभव हो गया तो ये एक ऐतिहासिक काम होगा सर, और इसका श्रेय आपको जाएगा सर, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे नहीं, किसी और से करना। जो तुम कह रहे हो ना वैसा करने के लिए पहले मेयर का अप्रूवल लेना होगा, फिर कॉर्पोरेशन कमिश्नर का, फिर जोनल चेयरमैन का। अरे बाप रे, मुझे तो इस प्रक्रिया को कहते हुए भी थकावट हो रही है। सर ये है मिस्टर कुबेर। नमस्ते साहब। 44, 45 और 46 वार्ड के रोड और लाइट कॉन्ट्रैक्टर। ये है कौशिक, ये साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये है पुरुषोत्तम, हमारे जल देवता। ये सब आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बैक हैंड है, और उंगली टेढ़ी करके घी निकालना जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मिस्टर कुबेर, वार्ड 45 में 5 रोड है, 600 मीटर की रोड बिछानी है, चाहे ओले क्यों न पड़ जाएं, 10 साल से पहले सड़क हिलनी नहीं चाहिए। वार्ड में 40 इलेक्ट्रिसिटी पोल होने चाहिए, लेकिन है केवल 27, और उनमें से भी 9 खराब पड़े हुए। और तुम्हें कचरा रोज 6-7 के बीच में उठवा लेना है, इससे पहले कि लोग अपने घरों से काम के लिए निकलें, कचरा उठ जाना चाहिए। अगर हवा चले तो सिर्फ पेड़ों से पत्तों की आवाज आनी चाहिए, सड़क पे पड़े कचरे की नहीं। और अगर तूफान आ गया तो? तूफान आ गया तो भी सड़क से कचरा नहीं उड़ना चाहिए। मिस्टर पुरुषोत्तम, हर हफ्ते पानी के 4 टैंकर आने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 2 भेजते हैं। मुझे नहीं पता पहले कैसे चलता था, लेकिन आगे से मुझे पानी के 4 टैंकर दिखने चाहिए। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ठीक से सोचकर बजट बना के दीजिए। हमसे बेफालतू की कसरत क्यों करवा रहे हैं साहब? ये तो मैं यूं ही बता देता हूँ, हमें 5 लाख लगेगा सड़क डालने के लिए, 4 लाख आपका और हमारा, 3 लाख पुलिस स्टेशन, कॉर्पोरेशन और इधर उधर सेटिंग में जाएगा। देखो साहब, 12 लाख का बजट चाहिए। अब एक बल्ब की कॉस्ट होती है 42 रुपया, हम दिखाएंगे 80 रुपया। अब 4 बल्ब हर हफ्ते बदल कर दिखा देंगे कि रिप्लेस किया है। अब साहब सीधा सीधा हिसाब है, 2 साल में 4 लाख अपने जेब के अंदर। एक टैंकर का होता है 1800, और हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 2500 दिखा सकते हैं, इस हिसाब से 12 लाख बनते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे 15 लाख। सर
कचरे का क्या है, वो तो अपने हाथ में ही है ना। जहाँ होगा वो जगह दिखाएंगे नहीं, और जहाँ नहीं होगा वो दिखाएंगे और कमाएंगे। सर आप कचरे के डिपार्टमेंट में मत पड़ो, वो हमारा डिपार्टमेंट है, इनके डिपार्टमेंट से अलग है। सर सर मेरी तरफ से 30% कमीशन। मिस्टर कुबेर, रोड के लिए सिर्फ 5 लाख और बिजली के 2 लाख। मिस्टर पुरुषोत्तम, तुम्हें 1 लोड के 1200 मिलेंगे। इस रकम के हिसाब से अपना बजट बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो हम ऑफिशियली देख लेंगे। कचरे का आप या मैं डिसाइड नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है उसी में ही काम पूरा करना होता है। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं साहब, ना आप कमाएंगे ना हम। अगर आप लोग ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। ओ भाई साहब, जब अपना चल रहा है तो नया कायदा कानून क्यों? पिछले 10-15 साल से पब्लिक के साथ हमने तालमेल बिठाया है, क्यों बिगाड़ रहे हो? हमारे बीच में कितने ब्रोकर है, सबका सेट है, आप जानते ही है ना। अगर इनका दिमाग सटक गया ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये कमाने वाला एरिया है, पलक झपकते ही टेंडर पास हो जाएगा। बजट मैंने बता दिया है, अगर इस बजट में काम कर सकते हो तो वेलकम, नहीं कर सकते हो तो भीड़ कम। जो मैंने बोला है अगले हफ्ते तक मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। जैसे ये उसको केक खिला रहा है, मुझे भी खिलाएगा। हाँ आपको भी खिलाएगा। तुम लोग मेरी वजह से जीते हो तो पहले मैं ही खाऊंगा ना। हारे हुए उम्मीदवारों को यहाँ किसने बोला है? मैं तेरी ही बात कर रहा हूं बे। जो पैसा भिजवाया था वो बराबर बांटा था तूने? हाँ भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बोला। ए, बता ना। जी बिल्कुल भाई, बहुत नेक आदमी है, सारा पैसा जनता में बांट डाला। झूठ सिर्फ तब तक छुपता है जब तक सच जानने वाला उसके सामने ना आ जाए, और सच पकड़े जाने के बाद झूठे आदमी की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। आपका इजाजत चाहिए भाई। हम उस मास्टर को खत्म करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहना सीख, अगली बार बिना इजाजत के बोलना मत। कान खोलकर सुन, हम लोग 72 वार्ड में हारे हैं, उनमें से 9 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। उस विजय राघवन से कहो कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। यहाँ 9021 परिवार रहते हैं, मैं हर परिवार की समस्या सुनकर उनका समाधान ढूंढना चाहता हूँ। हम 9021 फाइलें बनाएंगे। तुम हर एक परिवार से मिलोगे? ये कैसे पॉसिबल है? हर परिवार अपनी समस्या बताने लगा तो तुम्हारा सारा वक्त निकल जाएगा, सॉल्व कब करोगे? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनो, उस मास्टर के जलवे देखे तुमने? क्या जबरदस्त जीत हासिल की है, मुझे लगता है वो अच्छा काम करेगा। अरे राजनीति में सब बिगड़ जाते हैं, अकेला क्या उखाड़ लेगा? 2 दिन कचरा उठा दिया, 4 दिन हमारे बच्चों को पढ़ा लिया, तो तुम महिलाओं ने उसे वोट देके उसे काउंसलर बना डाला। पिछले काउंसिलर ने हाल ही में शहर में एक बंगला खरीदा है, देख लेना ये भी वही करेगा। इस एरिया के लोगों की जो भी समस्याएं हैं मैं उसका सर्वे कर रहा हूं। आप मुझे अपने घर की बाहर की जो भी प्रॉब्लम से बताइए, मैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये खड़ी तो है प्रॉब्लम सर, इसको सॉल्व कर दो। hey, मस्ती मत कर, क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। माना तुम ईमानदार हो, लेकिन इन सब बेईमानों के बीच में कोई भी काम करवाना नामुमकिन है। आप अपने एरिया में क्या बदलाव चाहते हैं? आपके परिवार में क्या कोई बीमार है? आपके आमदनी से गुजारा हो जाता है? मैं तो समोसे बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन वो बेवड़े छोकरे मेरे बाकड़े पर आकर लफड़ा करते हैं। पुलिस को कम्प्लेन करती हूँ तो मुझसे हफ्ता मांगने लगते हैं। पहले इसे सुधार दो सर। मैं तुझे क्यों बताऊं कि मेरे घर में क्या लफड़े चल रहे हैं? मेरी पार्टी के लोगों को दिख भी मत जाना, मार डालेंगे तेरे को, चल निकल। आप जाओ सर, ये ऐसे ही बात करता है, गुस्से में है, इसकी नौकरी चली गई, हो सके तो कहीं लगवा दो ना सर। सच बताऊं तो मैं अंदर से खोखला हो गया। मेरे लड़के तुम्हें मार ही डालते, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा टाइम अच्छा था। वो टाइम तो गया, उसे बदल नहीं सकते। अब आगे की सुनो, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, बिग बॉस पदम प्रताप भी यही चाहते हैं। हम मिलजुल के काम करते, पैसा बनाओ ऐश करो। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही क्या मतलब? अकेले। अकेले हो, मारे जाओगे, कोई लाश देखने भी नहीं आएगा। अगर कोई पुराना काउंसलर नए काउंसलर के ऑफिस में आकर धमकी दे तो सेक्शन 5061 और सेक्शन 5062 के तहत आप जेल जा सकते हैं। कैमरा, इसमें वीडियो ही नहीं आवाज भी रिकॉर्ड होती है। तेरे से पहले ये कुर्सी पे मैं बैठता था डेढ़ शाणे, यहाँ कैमरा वैमरा कुछ नहीं चलता है। चल बोल क्या सोच रहे। मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा और ये एक शुरुआत है। तेरी ये बात ऊपर पहुंचा दूं क्या? हाँ, और एक और बात सुनो,
स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, और सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी वार्ड्स में आपके आदमी ही ड्रग्स सप्लाई करते हैं। आप अगर चाहें तो ये रुकवा सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी वार्ड में ड्रग्स सप्लाई नहीं होनी चाहिए, और मेरे वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। ए, तू हमें ऑर्डर दे रहा है? हमें ऑर्डर दे रहा है? ये हमारा एरिया है, हमने इसे बनाया, बर्बाद करके रख दूंगा। चलो सर, जूते भूला है घर पे। अन्ना कभी जूते पहनकर ऑफिस में नहीं आते, ऑफिस की इज्जत करते हैं, और तुम इनसे भिड़ रहे हो, बड़े बेशरम हो। इस ऑफिस में आप जूते पहन के आ सकते हैं, बस साफ रास्ते पे चलना सीखिए, आपके जूते गंदे नहीं होंगे। हाँ पापा, मैं कॉलेज पहुँच गई, क्लासरूम में एंटर कर रही हूँ। अरे सर आ गए पापा, बाय बाय बाय। ए, तुम कॉलेज नहीं गई? हाँ नहीं गई, तो क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें एमबीए पूरा करना है। आज मूड नहीं था, क्या कर लोगे? हाँ? तुम्हारे पापा से मिलना, कब मिलवाओगी? शादी की बात करनी है। हाँ? बोलो बोलो। गलतफहमी मत रखो, जाने दो। जाने दो? हाँ? हाँ जाने दो। अब जाके दिखाओ। पॉटी करके बैठा है, धुलाने को पानी नहीं है। ए येड़ी, पानी पीने को नहीं है, तेरे को धुलाने को मांगता है। सर हमने आपको भरोसा करके वोट दिया, पानी मिलेगा या नहीं बताओ ना। सर बताओ पानी कब आएगा? हाँ हाँ बताओ बताओ कब आएगा। ओ सर बोलो ना। सर इन लोगों को छोड़िए सर, आपको इंद्र देवता थोड़ी है जो इनको पानी देंगे, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। देखिए कितनी मेहनत की है पुरुषोत्तम ने, एरिया को एकदम चकाचक कर दिया है, इससे ज्यादा क्या सफाई होगी सर। देखिए ना इसमें तो मेरा चेहरा भी एकदम। क्यों सर, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है? इलेक्शन से पहले तो बड़ी बड़ी बातें, और अभी वड़ा पाव खाते, हीरो की तरह आए थे सर्वे करने, क्या हुआ? जाइए सर, आप भी वैसे ही निकले। अगर शेट्टियन ना जीतते तो यहाँ छोटा सिंगापुर बन जाता। हाँ। और आपने तो मिनी जापान बनाने का वादा किया था। सब फ्रॉड है, कोई फर्क नहीं है। एक मिनट बेटा, ये क्या है? रोड साइड से 6 इंच की और बीच से सिर्फ 3 इंच की? तो सर वो ये इंजीनियर ने किया होगा, सड़क पे गुंबद बना दिया, तगड़ा चूना लगा दिया, बेचारा कुबेर वो अनपढ़ है ना सर, तो इंजीनियर ने उसको मामू बना दिया। कितने शुभ कदम है आपके, आप आए तो यहाँ बारिश हो गई, वाह, इस बार शहर में पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर वैसे अपना काम कुछ अर्जेंट काम था साहब, क्या हुआ? एक शब्द नहीं सुनना मुझे, तुम तीनों के तीनों साले फ्रॉड हो। क्यों सर? अपना मुंह बंद रखो। सर ए! इसे तुम सड़क कहते हो? क्या है ये? साइड से 3 इंच और अंदर से पूरी खोखली है, इसके लिए 5 लाख दिए थे। 5 लाख का हिसाब तो उस दिन बताया था ना? वो 5 लाख मैंने जेब भरने के लिए नहीं दिए थे। तो आपने पहले क्लियर नहीं किया था सर, हमने तो 3 बार दिए और बाकी 2 में सड़क बन गई। सर यहाँ काम ऐसे ही होता है, यही सिस्टम है। हेलो सर, मैं काउंसलर विजय राघवन बोल रहा हूँ। हाँ। हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैंने खुद जाके मुआयना किया, और जब आपत्ति उठाई तो पानी, कचरा, सड़क, पीडब्ल्यूडी वर्क, स्लम बोर्ड, क्लियरेंस सब ने अपना काम रोक दिया। अगर आप बात करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा, प्लीज बड़े भाई। बताओ पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हो? कुछ काम करके दिखाऊंगा तभी लोगों का दिल जीत पाऊंगा, लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद ही पार्टी ज्वाइन करूंगा। जल्दी मिलते हैं भाई। ठीक है, देखता हूँ मैं। कौन था? वही इंडिपेंडेंट काउंसलर विजय राघवन। क्या चाहता है वो? बच्चा है, राजनीति सीख रहा है। थैंक्स डॉक्टर, आप मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ आ गए। यहाँ कोई ना कोई मेडिकल एड की कमी की वजह से मर रहा है, लोगों के मरने के बाद बीमारी का पता चलता है, अगर पहले से पता चल जाए तो लोग बच जाएं। हर घर में जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ओके। हमें सबका हेल्थ स्टेटस पता okay. होना चाहिए। आपको जो भी जरूरत हो हमारे वॉलंटियर्स आपकी मदद करेंगे। ओके सर। सांस लीजिए। सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्लान और स्केच के हिसाब से 6 हफ्ते लगेंगे। अरे सामान लड़ाता है, इसे बता इसे किसने ये कुर्सी दी? फाड़ में गए सारे कागजात। इसी तरह पूरे वार्ड में भारी संख्या में सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं। और इसका खर्चा? खर्चे का छोड़िए सर, इन्हें इंस्टॉल करने के बाद बचत की बात कीजिए। आप सब में से कितने लोग कारपेंटर हैं? और पेंटर्स सब आगे आ जाओ।
गवर्नर ने ट्विटर पर कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शांति नगर के वार्ड नंबर 45 को शहर का बेस्ट वार्ड घोषित किया है। नहीं नहीं, आप ऐसा अंदर नहीं जा सकते। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं हार गया, इसलिए भाव नहीं दे रहे। मुझे अपने भक्त से नाराज हो गए, उसने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दी और काम रुकवा दिया, और अब आपके घर में मेरी एंट्री बंद। ये टाइम पे तो इसकी पत्नी को भी अंदर आने को इजाजत नहीं है। भाई, मेरे को उसे खलास कर देना चाहिए था, बच गया साला, नसीब ही खराब है अपना। ए नल्ले, तू क्या मारेगा उसे? अरे पहले अपने आप को देख ले, पूरे एरिया को मालूम है कि उसने तेरी पुंगी बचाई थी, करेक्ट है ना शेट्टी? भाई लोग हमारे खिल्ले उड़ा रहे, हंस रहे हम पर, आज ही मार डालूंगा उसे। अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम क्या अपनी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जिंदगी में कभी भी उस वार्ड से जीत नहीं पाएगा। लगता है गवर्नर ने भी ट्विटर पे उसकी तारीफ की है। हाँ, मैं अंदर से तप रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझ में आग जल रही है। और तुझे? मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ ना, सेम फीलिंग अन्ना। इसे जलना कहते हैं क्या रे, समझा? सही पकड़े हो। उसके सारे आइडियाज गवर्नर को बहुत पसंद आए हैं, और एक बात बताऊं, गवना आज खुद उससे मिलने वाला है। अरे, ये आपने क्या बोल दिया? मुबारक हो विजय राघवन, तुम्हारा इलाका तमिलनाडु में बेस्ट डेवलपिंग वार्ड के तौर पर चुना गया है। मैंने चुना है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद यहाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। हाँ बेटा, तुम बखूबी अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि रूलिंग पार्टी तुम्हें अच्छा काम करने से रोक रही है, लेकिन डरना मत, ऑपोजिशन है ना, ये तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। इनकी विचारधारा भी तुम्हारी तरह ही है, ऑपोजिशन भी सिर्फ जनता का भला चाहती है, बेझिझक इन्हें ज्वाइन कर लो। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए होगा जैसे वेलफेयर, पोस्टिंग, सब दिया जाएगा, फिर तुम ज्यादा काम कर पाओगे और कोई रुकावट भी नहीं आएगी। सोचना जरूर विजय राघवन। साफ रास्ते पे झाड़ू मार रहा है। गवर्नर है क्या? गवर्नर कचरा तो है ही नहीं, क्या साफ कर रहा है? हवा में घुमा रहा है क्या? क्या मैं गवर्नर से कुछ कह सकता हूँ? नहीं। 40 फीट के अंदर। नोट कर लिया सर। भाई बहुत टाइम पास हो गया, इसी हफ्ते मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे स्वागत में एक बड़ा फंक्शन करेंगे। थोड़ा टाइम और दीजिए ना भाई, अभी एक साल ही तो हुआ है, अगले साल ज्वाइन करता हूँ पक्का। एक तरफा खेल चल रहा है विजय राघवन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हो। छोटे भाई पर क्या आप शक कर रहे हैं? क्या कह रहा है वो? काउंसलर राजनीति की भाषा बोल रहा है। ये रखो तुम्हारे घर के कागज। ये पक्का घर है? हाँ पक्का। कच्ची जमीन पर सोने वाले लोग हैं, आपने पक्की छत दे दी। तुम लोगों की जन्म से यही औकात है। आदमी की औकात उसकी मेहनत से होती है, जन्म से नहीं। जबान पर लगाम दो। सर गौर कीजिए, गौर कीजिए, पदम प्रताप जी आए हैं, चेन्नई के राजा हैं वो। जब वो आए तो आप अपनी सीट पर मत बैठना, उनका अपमान होगा। आप यहाँ पर बैठिएगा और वो वहाँ पर बैठेंगे। पिछले काउंसलर भी ऐसे ही करते थे, और उन्हें सिर्फ ब्लैक कॉफी पसंद है। मैं अभी लेकर आता हूँ। सर जरा संभाल के। सर नमस्ते मेरे भाई। जी कहिए सर। इलाके को देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पार्टी तुमसे निराश है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो, इसीलिए मैं खुद मिलने आया हूँ। हमारी पार्टी जड़ों की तरह फैली हुई है, हर जगह हमारी पहुंच है, सेंटर तक हमारी पकड़ है, हमारे आदमी हर जगह है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। क्या करना चाहिए मुझे? अपना काम जारी रखो, मेरी पार्टी टीएमके में आते ही मैं तुम्हें अपने इलाके में हर तरह का अधिकार दूंगा। नहीं भाई, यही प्रस्ताव मुझे विपक्ष की तरफ से भी आया है, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद बहुत कुछ नहीं कर पाया, तो फिर विपक्ष या आपको ज्वाइन करके कैसे करूंगा?
मुझे पार्टियों के तराजू से दूर रखिए। तराजू पर बैठने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पलड़ा सिर्फ आम आदमी का भारी है। तराजू के कांटे पर बैठी जनता की सेवा हमारा काम है। कहीं ये कांटा चुभ न जाए, पार्टी को भारी पड़ेगा। तुम्हें कोई एक पक्ष तो चुनना ही होगा, और अगर तुम बीच में ही रहे तो दोनों तरफ से चोट खाओगे। मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। यहाँ स्वयं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में बाधा डालने वाले लोगों को काट फेंकना सड़क छाप नेता करते हैं। आई डोंट लाइक इट, लेकिन अफसोस मैं भी ऐसा ही हूँ। आज तक जो भी चाहा है वो हासिल किया है, या तो प्यार से और या फिर मार से। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, वरना पछताओगे। बड़े भैया, आपसे एक और काम था। बेझिझक कहो, क्या काम है? कॉरपोरेशन ऑफिस में पिछले एक महीने से लगा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी पहुंच से हर हफ्ते यहाँ पानी की 5 टंकियां भिजवा दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा। भाई क्या बोला वो? तुम इस एरिया में कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। ये क्या कह रहे हो भाई? कितने साल से यहाँ रह रहे हो? पैदा इधर हुआ। अरे सुनो। जी भाई। ये कौन है? पुराना काउंसिलर है भाई। इसका फोन नंबर है क्या? इनको तो पिछले इलेक्शन के बाद से अभी देख रहा हूँ भाई। अभी वाले काउंसिलर का नंबर? 9962441340। समझ गया ना? क्यों दोस्त, किस तरफ जा रहे हो? प्लेग्राउंड जा रहा हूँ, जिम इक्विपमेंट चेक करने के लिए। हाँ तो चलो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भाई। लेकिन क्यों? मैं पैदल जाऊंगा, लोगों से बात करते हुए। अब से तुम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हो। ये बोलना क्या चाहता है? आज से अपने अन्ना सिर्फ पार्टी के सेवक हैं। भाई सिर्फ आपके कहने पे मैंने विजय राघवन के सारे प्रोजेक्ट पास किए। अब उसने 10 नए प्रोजेक्ट लाकर सामने रख दिए हैं। मेयर की ताकत क्या होती है वो मुझे समझा रहा है? प्रोजेक्ट पास होने के बावजूद किसी को भी कमीशन देता ही नहीं है, सबका पैसा अटका हुआ है। स्लम बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट की परमिशन अब रोक दो। उसने एनजीओ और प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, ये अफवाह हर जगह फैला दो। विपक्ष में बैठे हमारे सभी साथियों से कहो कि उसे बदनाम करके उसकी धज्जियां उड़ा दें। इतना बदनाम करो कि उसे हाथ जोड़कर हमारे पास आना पड़े। मैं भी देखता हूं कि अब उसे बचाने कौन आता है। भाई तुमने सबसे पंगे लिए, इसलिए तुमसे सब गुस्सा है। आज शुक्रवार 10:05। सभी काउंसिलर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही शुरू। हे विजय राघवन, बहुत हीरो बनता फिरता ना आजकल, लेकिन हम तेरी बॉल खोलेंगे। बैठ जाइए। साइलेंस, सिट डाउन। छोड़ेंगे नहीं। विजय राघवन, क्या है ये सब? हर कोई तुम पे इल्जाम लगा रहा है कि तुम कुछ एनजीओ के साथ सेटिंग करके पैसे छापते हो। दोनों पार्टीज ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है और अब तुम अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहे हो। चुप रहिए सब लोग, मैं बात कर रहा हूँ ना। समझते क्या खुद को? सरकार का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता जो तुम मुफ्त में बांट रहे हो। हमें पता है, एनजीओ के साथ मिलकर तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। महोदय इसकी जांच करवाइए। तुम्हारे आने से पहले था जनता के सामने तुम फ्रॉड करके हीरो बन रहे हो और हम सबको नीचा दिखा रहे हो। ये सब कुछ अब और नहीं चलेगा। बैठिए। प्राइवेट कंपनी वालों से कितना पैसा खाया आपने? जनता का कितना पैसा लूटा बताओ ना। मुझे ये बताओ, वैसे तो सबसे सवाल करता फिरता है, अब जवाब दे। विजय राघवन, आप अपना पक्ष रखिए। ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से 30 साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी, शायद आप भूल गए। क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया? क्या हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है? शांतिनगर मेरा इलाका, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ। उनके खुद के हाथ खाली हैं, फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं बेचारे। 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के
अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती, ढंग से खाना नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल है तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आएं। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4,300 युवा। मुझे काउंसलर बने एक साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और ये संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9,021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर? हम भी जनता की सेवा करते हैं, डींगे मत हांको। सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो एक साल से साफ नहीं हुई है, जबकि उसकी सफाई के लिए 6 बार पैसा सैंक्शन हो चुका है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे? उलझना मत वरना भारी पड़ेगा। वो नहर वार्ड नंबर 55 में आती है और उसके काउंसलर का नाम मिस्टर परमवीर सिंह है और वो आप हैं। कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लगकर देखना, आपकी असली औकात सामने आ जाएगी। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 SUV, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। MLA जिसकी सैलरी 1 लाख है उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और MP के लिए पूरे 25 करोड़। और कुर्सी पर बैठने के बाद तुम सब वसूली में लग जाते हो। सॉरी ऑनरेबल मेयर, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी अपनी कुर्सी कितने में खरीदी है। अब एक शब्द भी बीच में नहीं बोलने का। अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं। हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर, धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। थैंक्स फॉर अलाउिंग माई वर्ड्स ऑनरेबल मेयर, प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टूवर्ड्स माई वार्ड्स डेवलपमेंट। थैंक यू। ऑनरेबल मेयर, बहुत लंबा प्रवचन दिया है ना? यस सर। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा, डिलीट मार दो। ओके मेयर। मैंने तुम्हें टेंडर ठीक करके वापस मेल किया था, देखा तुमने? सर थोड़े चेंजेस हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, जल्दी ले आया इस बार। ये क्या है? रुको, सब पता चल जाएगा। सर मैं यही हूँ। सर पदम प्रताप जी आपसे बात करना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत से बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे घुमाए जा रहे हो। लेकिन अब तुम्हारा ये काउंसलर का ड्रामा खत्म हुआ। तुम्हारा इस्तीफा सामने रखा है, उस पर साइन करो और चेन्नई छोड़कर चलते बनो। ए, किसी को अंदर मत आने देना। क्या रे अरुण, ऊपर से कॉल आ रहे हैं मुझे, कहाँ भेजा अपने बेटे को? लगता है वो काउंसिलर बन गया। 4 आदमियों को भेजा था तुझे खत्म करने के लिए, लेकिन तुझे जलता हुआ छोड़ के भाग गए। पेशेवर कातिल होते तो वहां से तब तक नहीं जाते जब तक तू जलकर राख नहीं हो जाती। अगली बार ऐसे लौंडो को काम ही नहीं दूंगा। अपना फोन उठा। हेलो। सुनो भाई, सुकुमार और उसके आदमी घर में घुस आए हैं और आपकी माँ को कब्जे में ले लिया है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। साइन कर दे। बहुत सालों से ये पैतरे मैंने छोड़े हुए थे। मैं तो अहिंसा का रास्ता चुन चुका हूँ, मुझे और मजबूर मत करो। अपने इस्तीफे का वीडियो बनाओ और उसे जोनल चेयरमैन, मेयर और बाकी सारे अफसरों को भेज दो। Oh,
चेहरे में भी ना चर्बी बहुत है। अगर हमारे कहने पे चलती तो आदर्शवादी बनने के बजाय पैसे बनाती, तुम सबकी ना जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन अब क्या है ना, तू कितनी भी कोशिश कर ले हमसे जीत नहीं पाएगी। तेरे पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ राख हो गया। इस कायरता की प्रदर्शन को अपनी जीत मत समझ बैठना, तुम्हारी बर्बादी के बाद ही मैं मरूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं पाई। हेलो विजय। माँ कैसी है? चिंता करने की बात नहीं है, वो आए, धमकी दी, बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है और चले गए। माँ से मेरी बात कराओ। थोड़ी देर में कराऊं? ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, माँ से कह देना। हाँ ठीक है, सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा। उन्होंने माँ का हाथ तोड़ दिया। जाओ इसे खत्म कर दो। तोहार काउंसिलर ने इस्तीफा दे दिया है, अब यह हमरा कानून चलेगा। तोहरा डर खत्म हो गया का? हम का भूल गए? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया साहब? माँ कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाला रे। हाथ तोड़ दिया मेरे माँ का, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आपके कदमों में गिर के माफी मांगता हूँ। खिलाफ खड़े हैं सब।
जब वो इलेक्शन जीता था हम तब ही बोले थे कि उसे काट के उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। उसका तड़िया निकाल कर आपको माला पहनाने का इजाजत मांगे थे, लेकिन अब वो साला एमएलए की सीट पे खड़ा हो रहा है। तू वहाँ क्या करने गया था? अपनी टांग क्यों अड़ाई तूने? चेन्नई में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जानता है ना तू? ए, मैं एक पक्का नेता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कब क्या करना है। अरे तू जैसा अनपढ़ राजनीति क्या जाने? सड़क छाप गुंडा सिर्फ मार काट जानता है। चल निकल। क्या ईमानदार लोगों को कभी मौका नहीं मिल सकता माँ? सिर्फ बेईमान आदमी ही हमेशा मौके की तलाश में होता है। जो ईमानदार होता है चाहे कुछ भी हो जाए मौका उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। हमेशा याद रखना बेटा, ईमानदारी का दामन कभी न छूटे। सर, अभी तक हमने दो सीटों के उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, नॉमिनेशन फाइल करने का कल आखिरी दिन है। पदम प्रताप, चेन्नई की कमान तुम्हारे हाथों में थी, हमें तो 200 में से 200 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन 71 सीट हार गए। विधानसभा का चुनाव सर पर है, तुम्हारी क्या रणनीति है? अच्छा काम करने पर हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे, अभी तक सिर्फ शांति नगर का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ पर तो हम काउंसलर की सीट भी हार गए थे, जरूरी सीट है। यू आर राइट सर, हम इस सीट से अपनी पार्टी के शर्मा जी को खड़ा कर सकते हैं। उस इलाके में वहाँ के काउंसलर का बोलबाला है। जरा वो मैगजीन दो। हाँ, विजय राघवन, इंडियाज बेस्ट वार्ड, शांतिनगर का भावी उम्मीदवार विजय राघवन, बेस्ट वार्ड काउंसलर। अगर हमें जीतना है तो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी आईटी सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही सर, लेकिन उसने तो ऑलरेडी पर्चा भर दिया है। हमने उस पर दबाव डालकर काउंसलर की कुर्सी से भी इस्तीफा दिलवा दिया था, हमारा उसके साथ लफड़ा है। देखो पदम प्रताप, उसे कैसे भी नॉमिनेशन वापस लेने को कहो, ये काउंसलर का चुनाव नहीं राज्य का है। तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में, आराम करने के लिए ECR में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस लड़की को और तुम्हारी माँ को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉडडैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना? भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
हेलो हेलो बाला, मैं एक नहीं दो सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दिए। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। परफेक्ट, एक उम्मीदवार दो जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूंगा। वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा है, घेर लो उसे। जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो, फ्रंट गेट से मत आना, पीछे से आना। ओके सर, ठीक है। लॉक करो उसे, B3 से बेसमेंट 2 पे जा रहा है। एक गांव में रोको उसे। हाँ, कोशिश करते हैं। अरे कौन हो तुम, यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर, लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर, डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर, मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक कर्तव्य परायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया, अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा। हेलो, भाई मलिक ने उस पर हमला कर डाला। क्या? तू मरेगा नहीं, हम लिवर बचा के मारे हैं, लेकिन अब तेरे मिले बनना निश्चित है। पदम प्रताप को लगता है कि हम सड़क छाप हैं, हमको राजनीति नहीं आता। जनता जानती है कि हम उस प्रताप का आदमी हैं। तुझे इस हमले से बहुत सहानुभूति मिलेगी। हम तो जेल जाऊंगा लेकिन तू एमएलए की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। ऑल द बेस्ट भाई। ट्यूशन मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। हमारे मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। कौन मारा? पता नहीं क्यों मारा। एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा था, किसी दुश्मन ने मारा होगा। फिर भी हम तो वोट मास्टर को ही देंगे। आज की ताज़ा खबर, विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। चेन्नई के शांति नगर क्षेत्र में विजय राघवन जो अपना नामांकन पत्र जमा करने आए थे, उन पर रूलिंग पार्टी के आदमियों ने चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। अगर तुम लोगों ने उसे न छेड़ा होता तो वो एक ही सीट पर खड़ा होता, अब तो वो दो जगह से खड़ा है। अगर इलेक्शन से पहले हमने उसे मारा तो मीडिया हमारी पार्टी की धज्जियां उड़ा डालेगी। इलेक्शन का समय, चुनाव होने तक हरकतों पर लगाम लगाओ। वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते। आप टेंशन मत लो।
तमिलनाडु के 234 क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक हुए। लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि शाम तक 70% मतदान होगा। काउंटिंग कल से शुरू होगी और चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों ही पार्टीज में बराबर उत्साह देखने को मिल रहा है और नतीजा आपके सामने जल्द घोषित होगा। अरुणा, कहाँ है तेरा लाल? तुम दोनों के एनकाउंटर के आर्डर आए, अब की बार कोई झोल ना उसके लिए मेरे को आना पड़ा। हेलो सर, अन्ना नगर और रॉयल पुरम जो हमारी पक्की सीटें हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग रुकवा दी है सर। आज जहां एक ओर तमिलनाडु में मतगणना शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अन्ना नगर और रोयापुरम में वोट काउंटिंग रुकवा दी है। टीएमके लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं। नेताजी की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, राजा रत्नम जय हो। इलेक्शन कमीशन ने दो जगह पर काउंटिंग रुकवा दी है, आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि विपक्ष और केंद्र की मिलीभगत, हम ये भी जानते हैं कि इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। आप भी देख लीजिए। कांचीपुरम, धर्मापुरी, रानीपेट और वेल्लूर में हम 15 सीटों से पीछे हैं। सर, आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबरी चल रही हैं। काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है? मुझे कानूनी दांव पेच मत सिखाओ। स्टे ऑर्डर कैसे आया? बोलो, सब ठीक चल रहा है ना? जी, अभी तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी भी 25 सीटों पर आगे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी। हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार, दो सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बची दो और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बचे हुए दो कैंडिडेट्स को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा। कौन है वो? विजय राघवन। सर, बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची चार सीटों में से दो पर काउंटिंग रुक गई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई, सरकार वही बनाएगी। रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में एक हफ्ता लग सकता है। सबसे पहले विजय राघवन सर ने यहाँ पर मुझसे बात की थी और आज हमारे मास्टर को विजय प्राप्त होगी। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन की माँ एक समय कलेक्टर हुआ करती थी और उनका सपना था कि उनका बेटा आईएएस अफसर बने। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगभग खत्म होने आई है। आजाद उम्मीदवार विजय राघवन, जो वार्ड नंबर 45 के काउंसलर थे, वो अपनी दोनों चुनावी सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल इन दोनों सीटों पर विपक्षी और रूलिंग पार्टी दोनों की नजर है। विजय राघवन की जीत निश्चित मानी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियों में सरकार बनाने के लिए खींचातानी जारी है। एक्स काउंसलर विजय राघवन के हाथ में एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है और इसके लिए उनके प्रशंसकों के बीच में गाड़ी नहीं है, लेकिन बाल इतने लंबे क्यों हैं? इतना लंबा क्यों किया? एकदम लड़की बाबा दिखते हैं। आंकड़ों के हिसाब से सुल्लू भाई खड़े और तुम लोग बैठे हो, चलो उठो। बैठो बैठो, अपन को अकेला छोड़ दो। ऐसा लगता है कि विजय राघवन की दो सीटों पर विजय पूरे तमिलनाडु के इतिहास को दोबारा से लिखेगी। इससे पहले कि हम उससे बातचीत शुरू करें, हो सकता है कि विपक्ष उससे हाथ मिला ले। उनके दल में जो हमारा खबरी शामिल है उससे पता लगाओ। सर, ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं। सर, वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट बराबर है, इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और ना ही किसी भी सूरत में विपक्ष के। और काउंटिंग क्यों रुकी है? सर, उन्होंने चालाकी से स्टे ऑर्डर तो लाया है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन कम से कम एक हफ्ता लगेगा। मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे? क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है? हाँ सर, शांति नगर और वेलाचेरी में उसकी जीत पक्की है। क्या हुआ? सर, हमने विजय राघवन को कॉल किया था, लेकिन वो नहीं उठा रहा। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर करते हैं। समस्या तो यह है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लौंडे ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। हमें अपनी पावर नहीं खोनी। वो जांच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसे जो चाहिए उसे दो, जाओ विजय राघवन से डील पक्की करो। जी सर। मैं सालों से इस दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे।
मैं टीएमके पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है, वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं। ठीक है, चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है। जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो। बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मारकर गिराया था। हाँ हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की। सर, कोई भी अरेगरा सीएम बन जाएगा, आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 MLA तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसे मना कर दिया सर, लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, अरे रुक, उसको मत मार। माँ, 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 बाहर आ जाओ माँ। विजय राघवन अपनी माँ का एक काम करेगा। क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ, मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तेरे किए एक एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम। उसके पास कोई अधिकार नहीं होंगे, हम उसे डमी सीएम बनाकर रखेंगे। उसके साइन का कोई मूल्य नहीं होगा और ना ही उसके पास कुछ भी अप्रूव करने की ताकत होगी। वो भूखे शेरों के बीच में एक बकरी बनकर रहेगा। उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे काट फेंकेंगे। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो करो। वैसे उसकी माँ भी तो हमारी ही पार्टी से थी ना। खबर फैला दो कि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, माँ और बेटा एक साथ पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं। क्यों पदम प्रताप, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, ये हैंडल तो हो जाएगा ना? हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया। देखने में बहुत सीधा लगता है लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है। बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया, आने दो सर, हम देख लेंगे।